जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपनी सहयोगी बंगाल की लोकप्रिय मुख्यमंत्री ममता दीदी से मिले थे और कल ही वे महाराष्ट्र के जननेता लोकप्रिय नेता उद्धव ठाकरे साहब से भी मिले और आज सुबह सुबह उन्होंने तमिलनाडु के लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्टालिन साहब से मुलाकात करी। इन मुलाकातों में मुख्य तौर पर कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत किया जाए, देश की जनता जो एक विकल्पित सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए, इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। इस संदर्भ में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जो चर्चाएं मीटिंग के भीतर होंगी वो मीटिंग के भीतर जब चर्चा समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा। मोटे मोटे तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, सब साथ आए, मजबूती से लड़ाई लड़ें और इस देश की जनता, हमारे देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है, वो सरकार देने का काम इंडिया गठबंधन करे। देखिए आज आई रिस्पॉन्ड टू दैट। आज इस देश में अगर कोई भी शख्स भाजपा सरकार से सवाल करता है तो या उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या सस्पेंड कर लिया जाता है। आज अगर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अपनी हामी भर देते हैं, हां बोल देते हैं, तो वो दो मिनट के अंदर जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें खूब ढोल नगाड़ों के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी। ऐसा ही कुछ आपने महाराष्ट्र में देखा। छगन भुजबल, अजीत पवार, जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे करे, उन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर ली उनके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, बंद कर दिए और उन्हें गले लगाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया। इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वह अरविंद केजरीवाल से डरती है, वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। जहां तक ईडी समन्स का आपने सवाल पूछा, सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख से विपसना पे प्रस्थान करेंगे, वे रेगुलरली जाते हैं विपसना के लिए और यह उनका प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड प्लान है। वे वकीलों से सलाह कर क्या जवाब देना है ईडी को, जवाब देना है नहीं देना, क्या करना है, आगे की रणनीति कानूनी जरूर तय करेंगे। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जवाब क्या देना है, देना है नहीं देना है, तो वकील और कानूनी सलाहकार तय करेंगे। लेकिन यह बात आप सब जानते ही हैं कि एक प्री स्केड्यूल्ड, प्री अनाउंस्ड घोषित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि वे 19 तारीख से विपसना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
देखिए देखिए, आज देश में जो हालात हैं, कैसे डे बाय डे इस देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को असॉल्ट किया जा रहा है, उस विषय पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई। और देश में कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे सब साथ आए इस देश के संविधान को बचाएं, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान है उसकी रक्षा करें हम सब लोग मिलकर, उस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। ये मैंने लेख पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के आपको इस पे जवाब दूंगा। लास्ट क्वेश्चन, नहीं देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि तमाम राजनीतिक दलों को पूरी सिंसेरिटी से और पूरी डेडिकेशन से, कमिटमेंट से, प्रतिबद्धता से साथ आना होगा। और ये साथ कोई केवल पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आई हैं, इस देश की 135 करोड़ आबादी इस इंडिया गठबंधन के झंडे तले आ गई है। महत्वपूर्ण गठबंधन है, लोग बड़ी उम्मीद से इस गठबंधन की ओर देख रहे हैं कि यह सफल हो, क्योंकि लोग भी महंगाई से, बेरोजगारी से निजात चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश में एक ऐसी सरकार हो जो लोकतंत्र की और बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान की कद्र करे, इज्जत करे, उसे बरकरार रखे। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन के भीतर चर्चा होगी, अवश्य होगी, और क्या बात होगी, क्या रणनीति बनेगी, उस रणनीति बनने के बाद हम आपसे विस्तार से चर्चा करके आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।